हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लगानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर कोर्स इन विच वी आर कवरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम चैप्टर नंबर 22 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी प्लस पर मंडे से कुछ नए बैचेस जो हैं शुरू होने जा रहे हैं, जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। सो प्लीज जाइए, जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, यूज करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। 25 नवंबर को 10 बजे ये टेस्ट होने जा रहा है। टॉप 50 रैंकर्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप और प्राइजेस भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस लेकर के आया है, जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। 2021 के लिए बात करें तो बायलैंगुअल जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्सेज हैं, जो कि 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे। फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा। साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू तक की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो ये बैचेस जो है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। तो चलिए हमारे आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहूंगा। देखिए, हमारे कल के सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू को जो है बेसिकली क्या करा जाता है, नॉमिनेट करा जाता है, चुना जाता है प्रेसिडेंट के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर लाहौर सेशन इनको यहाँ पर चुना जाता है और इसमें गांधी जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इस टाइम पर अगर हम बात करें तो बायकॉट करा गया था साइमन कमीशन का बहुत बड़े लेवल पर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। साथ साथ यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे जिन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। बट द थिंग इज, इफ यू टॉक अबाउट जवाहरलाल नेहरू, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायकॉट मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। और इसी वजह से जब यहाँ पर बात करी गई कि भाई लाहौर सेशन है दिसंबर 1929 का, तो यहाँ पर गांधी जी ने बेसिकली नॉमिनेट करवाया, या कहें हमने यहाँ पर गांधी जी ने इलेक्ट कराया जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन। अब लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1929 के अंदर। तो इस सेशन के अंदर कुछ मेजर डिसीजंस जो है यहाँ पर कांग्रेस लेती है, जैसे कि यहाँ पर बात करी जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट की। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस सेशन में कि जब साइमन कमीशन गई, उसने रिकमेंडेशन वगैरह करे, तो वहां पर जो बेसिकली लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई थी ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर, तो उसके बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा कि अब वाइसरॉय को बुलाया और बात करी कि भाई एक काम करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लेकर के आओ रखो, जिसमें ऑल पार्टीज जितने भी मेजर लीडर्स हैं वो लोग यहाँ पर रहें और बात करी जाएगी इंडिया को सेल्फ डोमिनियन देना है, डोमिनियन स्टेटस या नहीं, इस बारे में यहाँ पर बात करी गई। बट यहाँ पर अगर हम करें तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे लीडर्स को यहाँ पर बताया गया, तो उन लोगों ने कहा, दिल्ली मैनिफेस्टो की बात यहाँ पर करी गई, उन्होंने कहा कि दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, वी वांट द डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हम बॉयकॉट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस का मेन एम बना दिया गया। पहले जो है अब तक डोमिनियन स्टेटस की बात करी जा रही थी कांग्रेस के द्वारा भी, बट अब यहाँ पर क्या करा गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई कि दैट पूर्ण स्वराज विल बी द एम ऑफ कांग्रेस। इसके अलावा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज थी उनको यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करो, यहाँ पर नॉन पेमेंट टैक्सेस की शुरुआत करो, और जहाँ पर जो भी आपकी सीट्स वगैरह है लेजिस्लेचर की उस अंदर, उसमें से अपने आप को रिजाइन करना शुरू करो। ये सब बातें यहाँ पर कही जाने लगी। साथ साथ 26 जनवरी 1930 का बेसिकली फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट करने की यहाँ पर बात करी जाने लगी, और December 31, 1929 को यहाँ पर लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे क्या करा गया, फ्रीडम फ्लैग हमारा ट्राइकलर जो है यहाँ पर उसको होस्ट करा गया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए। तो बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रहा लाहौर सेशन 1929 का।
इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, अब आप बात कर रहे हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक लेटर जो है बेसिकली लॉर्ड इरविन वॉइस रॉय को यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। और यहाँ पर गांधी जी ने बेसिकली 11 डिमांड्स की मांग करी कि अगर आप ये 11 डिमांड्स हमारी पूरी कर दोगे तो वी विल नॉट डू द मूवमेंट। ये आपको एक अल्टीमेटम है कि 31 जनवरी तक आप ये जो डिमांड्स हैं हमारी एक्सेप्ट कर लो। जब ये चीज़ यहाँ पर हुई, होता क्या है, गांधी जी 31 जनवरी तक का समय देते हैं सरकार को कि आप जो है हमारी डिमांड एक्सेप्ट कर लो, बट सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर हमें देखने को नहीं मिलता। तो जब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर क्या करा जाता है, गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ पर गांधी जी को कहती है कि भाई अब जो है हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए और मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए। फरवरी का एंड आता है, गांधी जी यहाँ तक मूड बना बैठते हैं और यहाँ पर सॉल्ट को चुना जाता है कि दैट सॉल्ट को सेंट्रल फार्मूला लिया जाएगा और सॉल्ट टैक्सेस के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करा जाएगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने से पहले कि कैसे शुरू हुआ, डांडी मार्च को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गांधी जी की 11 डिमांड के बारे में कि क्या डिमांड करी थी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से, उनको यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर 1929 में तय कर लिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो गांधी जी ने 11 डिमांड रखी इरविन के आगे और 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम यहां पर दिया, यानी कि तकरीबन एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया। ये जो डिमांड्स थी बेसिकली, ये अगर हम बात करें ऑल ओवर सबको देखते हुए रखी गई, पीजेंट्स का फायदा देखते हुए भी, बर्जुआ क्लास जो मिडिल क्लास थी उसके फायदे को देखते हुए भी, और नेशन वाइड ऑल ओवर नेशन का फायदा देखते हुए यहाँ पर ये रखी गई। जैसे कि पहली डिमांड यहाँ पर रखी गई कि भाई टैक्सेस का एबॉलिशन होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स को आप जो है एबॉलिश करो और जो सरकार ने मोनोपोली बना रखी है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए करके, उसको आप यहाँ पर एबॉलिश करो। दूसरी चीज यहाँ पर रखी गई कि भाई जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं आपके, जो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतने ज्यादा एक्सपेंसेस खर्च करते हो, आर्मी के ऊपर इतना खर्चा करते हो, उसे 30% तक लगा दिया जाए, ये बात यहाँ पर करी गई। तीसरी चीज यहाँ पर बात करी गई कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है CID जो है इसके अंदर रिफॉर्म वगैरह करे जाए। चौथी चीज यहाँ पर रखी गई, बोला गया कि जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, शराब है, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, उन सब के ऊपर बेसिकली टोटल प्रोहिबिशन का लगा दिया जाए। साथ साथ यहाँ पर बात करी गई जो आर्म्स एक्ट है, लाइसेंसेस वगैरह देने की यहाँ पर बात करी जाती है लोगों को अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करे जाए। छठी चीज यहाँ पर ये करी गई कि भाई जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको जेल में रखा गया है सबको यहाँ पर रिहा कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। और सातवीं चीज यहाँ पर ये बोली गई कि जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया जाए। अब बात करें मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर बोला गया कि जो रुपी और स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो है वो 1:4 का यहाँ पर कर दिया जाए, ये बात यहाँ पर करी गई। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है इम्पोर्ट फॉरन क्लोथ के ऊपर लगाने की यहाँ पर बात करी गई कि कस्टम ड्यूटी जो है इम्पोर्ट्स के ऊपर फॉरन क्लोथ के वो लगा दी जाए। साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोस्टल शिपिंग जो इंडियंस का यहाँ पर कोस्टल शिपिंग है उसके अंदर इंडियंस को रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात करी गई। साथ साथ अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू को रिडक्शन की बात करी गई कि लैंड रेवेन्यू जो है उसे 50% यहाँ पर कम कर दिया जाए। तो ये 11 डिमांड्स जो है गांधी जी ने रखी लॉर्ड इरविन के आगे और 31 जनवरी तक का यहाँ पर लॉर्ड इरविन को समय दिया कि भाई 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम है, इन डिमांड्स को पूरा करो, अदरवाइज वी विल लॉन्च अ नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर बात करें गांधी जी क्या करते हैं जब ये डिमांड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती, 31 जनवरी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सरकार की तरफ से, तो गांधी जी क्या करते हैं यहाँ पर एड्रेस करते हैं लोगों को। गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि भाई देखो, अब यहाँ पर जो टाइम आ गया है वो आ गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और हम यहाँ पर शुरू करेंगे सॉल्ट के साथ। सॉल्ट जो है एक ऐसा ऐसी चीज है जो कि क्या करी जाती है, पानी से निकाल करके बनाती है सरकार, और इसकी वजह से इतना ज्यादा टैक्सेस वगैरह यहाँ पर लगाती है सरकार जिससे कई मिलियंस ऑफ पीपल्स आर स्टार्विंग, कई लोग जो हैं बीमार हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन है। तो ये बात यहाँ पर गांधी जी करते हैं। होता क्या है, यहाँ पर 2 मार्च को गांधी जी लेटर लिखते हैं वॉइस रॉय को, लॉर्ड इरविन को, जो कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक लेटर माना जाता है। इसमें गांधी जी बताते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए एक श्राप रहा, एक कर्स रहा। यहाँ पर वो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई इस रूल ने बेसिकली मिलियंस ऑफ पीपल को क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट करा,
और यहाँ पर अगर हम बात करें, गांधी जी बताते हैं कि भाई लोगों को आपने पॉलिटिकली सर्व डोम में ला करके रख दिया है और जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको आपने बेसिकली खत्म कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब चीजें गांधी जी यहाँ पर वॉइसराय को लिखते हैं, एक बहुत ही भारी भरकम सा अगर हम कहें तो यहाँ पर पत्र गांधी जी वॉइसराय को यहाँ पर लिखते हैं। अब जब ये चीज यहाँ पर होती है तो वो गांधी जी वॉइसराय को बता देते हैं कि आपने जो है हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी, जो मैंने 11 डिमांड रखी थी, तो अब हम लोग जो है एक सत्याग्रह, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और 11 तारीख को इस मंथ की हमारे कांग्रेस के वर्कर्स, मेरे आश्रम के वर्कर यहाँ पर शुरुआत करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की और हम लोग जो है सॉल्ट लॉ के प्रोविजंस को यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ये बात यहाँ पर गांधी जी जो है रखते हैं। सीधा शब्दों में अगर हम यहाँ पर बात करें तो गांधी जी लॉर्ड इरविन को कहते हैं कि आप जो है मुझे अरेस्ट करने के लिए लोगों को भेजेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे सो देयर विल बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स विल बी रेडी, जो कि यहाँ पर अरेस्ट की बात करेंगे। तो ये सब बातें बेसिकली गांधी जी यहाँ पर लॉर्ड इरविन को लिखते हैं ताकि कल को जब लॉर्ड इरविन कोई कंप्लेन ना कर सके कि भाई तुमने हमें नहीं बताया मूवमेंट से पहले, तो सीधा सीधा गांधी जी सरकार को एक अल्टीमेटम यहाँ पर दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि देखिए शुरुआत होती है मूवमेंट की। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई आप लोग जो है हमारे ऊपर जो है लाठी चार्ज वगैरह भी करेंगे, बाकी सारी चीजें भी करेंगे, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो गांधी जी शुरुआत करते हैं एक डांडी मार्च की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है डांडी मार्च के साथ। कैसे, अब इसको हम समझेंगे। देखिए कि क्या होता है, 78 फॉलोअर्स के साथ जो गांधी जी का साबरमती आश्रम होता है, ठीक है, वहां से जो है गांधी जी क्या करते हैं अपना मार्च शुरू कर देते हैं फ्रॉम अहमदाबाद। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कोस्ट ऑफ डांडी है यहाँ तक जाने की बात करते हैं, तकरीबन 240 माइल्स का रास्ता तो जो है ये तय करने की बात करते हैं कि पैदल हम लोग अलग अलग विलेजेस से गुजरेंगे, अहमदाबाद से डांडी जाएंगे और डांडी जाकर के अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। ये चीज यहाँ पर करते हैं गांधी जी। तो जैसे ही यहाँ पर डांडी मार्च की शुरुआत होती है, फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है गांधी जी के साथ हमें यहाँ पर डांडी मार्च के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात क्या होती है, गांधी जी अपना फ्यूचर कोर्स बताते हैं कि हम क्या करेंगे डांडी मार्च में। ये बताते हैं कि हम जो है जहां भी पॉसिबल हुआ सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, साथ साथ जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं, लीकर शॉप्स हैं, उनकी हम यहाँ पर पैकेटिंग करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे। इसके अलावा गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि आप टैक्सेस वगैरह पे ना करिए, ये चीज यहाँ पर बोलते हैं। और चौथी चीज यहाँ पर लॉयर से बोलते हैं कि भाई आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह छोड़ दीजिए, लो कोर्ट्स का बॉयकॉट करिए, ये सब चीजें यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं। बट मेन चीज जो गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं वो दो पॉइंट है। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर आपको स्वराज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सच्चाई और नॉन वायलेंस का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। अगर हम नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलेंगे तो सरकार को हम झुका देंगे। और गांधी जी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर कल को मेरा अरेस्ट हो जाता है तो आप लोग लोकल लीडर्स के ऑर्डर्स को ओबे करेंगे। ये चीज यहाँ पर होती है और गांधी जी 12 मार्च को जो है डांडी मार्च लॉन्च कर देते हैं और 6 अप्रैल को जाकर के डांडी पहुंचते हैं। अब जब गांधी जी पहुंचते हैं डांडी तो वो जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और मुट्ठी भर नमक अपने हाथ में लेते हैं और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और इसी के साथ हमें कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें इस मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। कई 100 लोग जो हैं यहाँ पर अपना ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल वो रिजाइन कर देते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में ऑल ओवर जो है ये स्पीचेस गांधी जी की, मार्चेस गांधी जी के बारे में सब कुछ लिखा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। साथ साथ कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कर रहे होते हैं, अलग अलग जगहों पर गांधी जी की स्पीचेस को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं और वो भी जो है साथ में क्या कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। तो कांग्रेस के वर्कर की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सॉल्ट जैसी मामूली चीज यहाँ पर गांधी जी ने क्यों चूज करी। तो देखिए सॉल्ट इसलिए चूज करा गया, पहली चीज तो ये कि सॉल्ट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर सेक्शन हर तबका सोसाइटी का सॉल्ट कंज्यूम करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल डिविजन्स, अमीर भी गरीब भी मिडिल क्लास भी हर कोई तबका जो है क्या करता है, सॉल्ट यूज करता है। साथ साथ हर सेक्शन के लोग हर रिलीजन के लोग यहाँ पर सॉल्ट यूज करते हैं। दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको बताया गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट जैसी चीज के ऊपर टैक्स लगाना ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन है, ये भी एक मेजर कारण था। और वहीं तीसरी चीज जो यहाँ पर सॉल्ट को चुना गया वो ये चुना गया कि भाई उस टाइम पर इनकम जो होती थी गरीब आदमी की इनकम का एक मेजर पोर्शन जो है मेजर अमाउंट जो है वो सॉल्ट में चला जाता था, सॉल्ट में खर्च करा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट को चुना
और यहाँ पर डांडी मार्च की शुरुआत हुई। और गांधी जी ने क्या करा, अल्टीमेटली गांधी डांडी मार्च के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया तो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलता है, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स का डेट आउट कर रखा है, इट्स 27th of June। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक साल से भी कम का समय प्रीलिम्स 2021 के लिए बचा है। तो अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए कुछ बैचेस लेकर के आया है जो कि आपकी कंप्लीट 2021 की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। बायलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स, तीन बैचेस हैं ये जो कि 9th November से स्टार्ट हो रहे हैं। फुल ईयर के बैच कोर्सेज रहेंगे, फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको कराई जाएंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैचेस जो है आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है। 24 month वाले यानी 2 years के सब्सक्रिप्शन प्लान को हम देखें तो उसके लिए यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे 72,000 rupees। और जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10 तो यहाँ पर आपको 7200 यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अल्टीमेटली जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800 rupees का। तो यहाँ पर आप एक एवरेज निकालें तो तकरीबन 2700 rupees अप्रॉक्सीमेटली आपको हर मंथ पे करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो जाइए जाकर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन कराएंगे। सो प्लीज गो सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड RANK10। अब चलते हैं, बात करते हैं मूवमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया गांधी जी ने डांडी से जो है ये मूवमेंट की शुरुआत कर दी, सॉल्ट लॉ का ब्रेक यहाँ पर किया तो ऑल ओवर कंट्री हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्ट मार्च की शुरुआत करते हैं। त्रिचनापुली से लेकर के वेदरायनम तक, तंजौर कोस्ट तक ये जाते हैं और इनको फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है 30 अप्रैल को। बट इतने सारे वॉलंटियर्स ही अब तक कलेक्ट कर लेते हैं कि मूवमेंट जो है, कैंपेन जो है आगे चलता रहता है। मालाबार केरला वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर के कलप्पण जो कि वाईकॉम सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट एक लीडर थे, हीरो थे, वाईकॉम सत्याग्रह हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस 2 sessions आप देखिए, उसके अंदर हमने जो है वाईकॉम सत्याग्रह केरला के अंदर जो हुआ था उसको और गुरुवीर सत्याग्रह, उन दोनों को हमने डिस्कस करा था। के कलप्पण जो है यहाँ पर वो भी सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं कैलीकट से। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो असम के अंदर हमें हर जगह जो है बेसिकली सत्याग्रही देखने को मिलते हैं जो कि ये सॉल्ट ब्रेक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आंध्र प्रदेश में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक सिबिराम्स करके बेसिकली मिलिट्री स्टाइल कैंप्स वगैरह बनाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां पर एक हेडक्वार्टर्स के तौर पर इनको ट्रीट करा जाता है कि सॉल्ट सत्याग्रह के हेडक्वार्टर्स हैं। सत्याग्रहियों को यहाँ पर मैसेजेस वगैरह दिए जाते हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर होती थी। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि भाई देखो इतना कुछ हम कर रहे हैं और सरकार अब भी ना गांधी जी को अरेस्ट कर रही है ना हमें अरेस्ट कर रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि सरकार इस टाइम पे हेल्पलेस है और गांधी राज आ गया है, ये सब बातें यहाँ पर करे जाने लगी। तो मूवमेंट जो है लगातार हर पार्ट में इंडिया के बढ़ता रहा। अब जब ये चीज हो रही थी तो सरकार काफी ज्यादा परेशान हो गई, सरकार ने एक्शन लेने शुरू करे। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, 14 अप्रैल को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का अरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जवाहरलाल नेहरू का अरेस्ट जब होता है यहाँ पर तो बहुत बड़े लेवल पर मद्रास, कलकत्ता, कराची सब जगह हमें डेमोन्स्ट्रेशन क्लैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। 23 अप्रैल को यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पेशावर वाले रीजन के अंदर कांग्रेस के लीडर्स को बहुत बड़े लेवल पर अरेस्ट करा जाता है। तो यहाँ पर बहुत मास लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है खान, अब्दुल गफर खान की तरफ से। इसके अलावा जो इनके बेसिकली एक बैंड ऑफ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज था जिसको क्या बोला जाता था, खुदाई खिदमतगार्स, जिनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था, ये लोग यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पेशावर के अंदर हमें बहुत बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह देखने को मिलती हैं। और ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पेशावर का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि सरकार जो सोल्जर्स से कहती है कि भाई लोगों को शूट करो, तो वो सोल्जर्स जो होते हैं गढ़वाल रेजिमेंट के, वो यहाँ पर शूट नहीं करते लोगों को, तो इसलिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो मूवमेंट जो है लगातार यहाँ पर बढ़ता रहता है और सरकार के पास अल्टीमेटली कोई च्वाइस नहीं बचती, बहुत ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर आता है और अल्टीमेटली वॉइसराय ऑर्डर देते हैं कि भाई गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाए। 4 मई को ये ऑर्डर यहाँ पर पास होता है और गांधी जी को उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मूवमेंट जो है गांधी जी के अरेस्ट के बाद और बहुत बड़े लेवल पर चलता है,
बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, बट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रेजेडी भी जिसको आप कह सकते हैं, वो है धरासना ट्रेजेडी या धरासना का सत्याग्रह। तो देखिए होता क्या है धरासना में, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी जी के अरेस्ट के बाद मासिव वेव हमें देखने को मिलती है प्रोटेस्ट की, बहुत बड़े लेवल पर लोगों को अरेस्ट करा जाता है, सॉरी बहुत बड़े लेवल पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बॉम्बे की अगर हम बात करें तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि पुलिस से संभाले नहीं जाते, क्लोथ मर्चेंट्स जो हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, टेक्सटाइल रेलवे वर्कर सब लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकार हेल्पलेस हो जाती है बेसिकली। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, जिसको बेसिकली क्या बोला जाता है, धरासना सत्याग्रह या धरासना ट्रेजेडी जिसको बोला जाता है। होता क्या है 21 मई को सरोजनी नायडू, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थी, इम्पॉर्टेंट लीडर थी, और जो कि कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी, जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, इंडियन वुमेन, याद रखिएगा वर्ड इंडियन वुमेन, इनसे पहले एनी बेसेंट भी रह चुकी हैं। तो जब सरोजनी नायडू, सांसद इमाम साहेब, और जो कि गांधी जी के कॉमरेड थे, साउथ अफ्रीका के दोस्त थे इनके, और इसके अलावा गांधी जी के बेटे मनीलाल, ये तीन लोग क्या करते हैं अपने साथ तकरीबन 2000 लोगों के साथ पहुंच जाते हैं धरासना सॉल्ट वर्क्स। ये जब यहाँ पर धरासना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पुलिस जो है इनको यहाँ पर रोकती है, पुलिस जो है इनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, और बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज जो है सत्याग्रहियों के ऊपर करा जाता है। बट यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार नज़ारा नॉन वायलेंस का देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सत्याग्रही मार खाते रहते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो पीछे उनके कॉमरेड्स आते हैं, उन्हें उठा करके लेके जाते हैं और उनकी जगह नए सत्याग्रही आ गए। तो इस तरीके से कॉलम वाइज कॉलम जो है हमें यहाँ पर सत्याग्रही देखने को मिलते रहते हैं आते हुए, ऑफिशियल्स जो है उनको मारते रहते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी हमें इनकी तरफ से डिफेंस देखने को नहीं मिलता, नॉट इवन अ सिंगल व्हाट आई कैन से, ना एक भी लात घुसा कुछ नहीं आ लोग, ये लोग मारते, कोई डिफेंस हमें इनके तौर पर देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करें तो तकरीबन 320 लोग इसके अंदर इंजर हो जाते हैं और 2 लोगों की जान चली जाती है। जब ये इंसिडेंट यहाँ पर, ये ट्रेजेडी यहाँ पर होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक सरकार के लिए होती है। वेब मिलर जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वो यहाँ पर धरासना सत्याग्रह के ऊपर अपना अकाउंट लिखते हैं, अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं, अपने जर्नल में लिखते हैं, और बताते हैं कि मैंने 18 साल की अपने रिपोर्टिंग में 20 कंट्रीज को मैंने रिपोर्ट करा है, काफी सारे सिविल डिस्टरबेंसेस, रॉयट्स, स्ट्रीट फाइट्स, रेबेलियंस वगैरह देखे हैं, बट धरासना जैसा सीन मैंने कहीं नहीं देखा। जब ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है तो बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर इंडियन नेशनलिज्म के किस्से जो अलग अलग जगहों पर पब्लिश होते हैं, ब्रिटेन के अखबारों में, यूएसए के अखबारों में, सब जगह जो है इस सत्याग्रह का जिक्र यहाँ पर होता है। अब जब ये चीज यहाँ पर चल रही थी तो अब क्या होता है, इंडिया के और पार्ट्स के अंदर भी अलग अलग लेवल पर हमें जो है मूवमेंट सत्याग्रह वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसको अब आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी जो है लेकर के आ रहा है T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जो कि डेली 7:30 बजे हमारे अनअकैडमी ऐप पर हुआ करेगी। 20 क्वेश्चंस आपको आपको पूछे जाएंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लाइव टेस्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको करा के दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का फायदा यह रहेगा कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ साथ अनअकैडमी ऐप के अलावा आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं इम्पैक्ट की, ये जो एजिटेशन वगैरह हो रहे थे इनका क्या इम्पैक्ट रहा। अगर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट सत्याग्रह जो शुरू हुआ वो तो सिर्फ एक कहानी थी, यहाँ से जो है कहानी शुरू हुई थी, बट इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर बॉयकॉट करा गया कपड़ों का, लिकर शॉप्स का, बहुत बड़े लेवल पर। जब गांधी जी का अरेस्ट यहाँ पर अभी नहीं हुआ था तो गांधी जी ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने क्या बोला कि फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करो, लिकर शॉप्स का बॉयकॉट करो, विमेन से बोला कि आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करो। तो हमें इस मूवमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, विमेन जो कभी घरों से बाहर नहीं निकली थी वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। सुबह से लेकर रात तक वो लोग लिकर शॉप्स के बाहर खड़ी रहती हैं, ओपीएम डेंस के बाहर खड़ी रहती हैं कि यहाँ पर जो है कोई लिकर ना बिके, ओपीएम ना बिके। इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पर फॉरेन क्लोथ्स का भी यहाँ पर बॉयकॉट करा जाता है। तो इसमें विमेन्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विमेन्स के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स और यूथ भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबके अंदर।
वो लोग भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर फॉरेन क्लोथ का रिकर का बायकॉट यहाँ पर करते हैं। जब ये चीजें यहाँ पर हो रही होती हैं तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकार के जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं जो यहाँ पर सरकार लिकर से फॉरेन क्लोथ से यहाँ पर कलेक्ट करती थी, इकट्ठा होता था पैसा, आपको पता है जिस तरीके से आज की डेट में लिकर एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू शेयर सरकार के लिए जनरेट करता है, उस टाइम पर भी करता था। तो जब ये चीज यहाँ पर होती है तो सरकार के लिकर में या रेवेन्यूज में बहुत बड़े लेवल पर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम बात करें और अलग अलग लेवल में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके का नो टैक्स कैंपेन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें क्या एक अलग तरीके का न्यू टैक्स न्यू कैंपेन हमें देखने को मिलता है, जो कि था रिफ्यूजल टू पे चौकीदारा टैक्स। चौकीदारा टैक्स पे करने से यहाँ पर मना कर दिया जाता है। देखिए क्या होता था कि चौकीदार वगैरह लगाए रखे जाते थे, जिनके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे, ये लोग विलेजेस के ऊपर रखे जाते थे और यहाँ पर क्या करा जाता था, ये लोग गार्ड करते थे, स्मॉल पुलिस फोर्स की तरह ये काम करते थे विलेज लेवल रूरल एरियाज के अंदर। और इन लोगों को स्पाई भी कहा जाता था कि ये सरकार के स्पाई हैं, जासूस हैं, क्योंकि ये सरकार को इन्फॉर्मेशन वगैरह देते थे। तो यहाँ पर जो चौकीदारा टैक्स पे करा जाता था उसका रिफ्यूजल करा, लोगों ने यहाँ पर चौकीदारा टैक्स नहीं पे करा। बंगाल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर, जैसे कि अब आपको पता है मानसून आने वाला था तो यहाँ पर सॉल्ट वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, सॉल्ट सत्याग्रह नहीं कर पा रहे थे लोग, सॉल्ट ना बना पाते, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर लोग जो है वो भी एंटी चौकीदारा और एंटी यूनियन बॉर्ड एजिटेशन में शामिल हो गए। तो अलग अलग तरीके के कैंपेन जो है हमें देखने को मिले। गुजरात खेड़ा के अंदर हम यहाँ पर बात करें तो इस गुजरात में बरडोली तालुका हो गया जो, और जम्बूसर हो गया, यहाँ पर लोगों ने कहा कि दैट वी विल नॉट पे टैक्स। नो टैक्स मूवमेंट जो है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चलाए गए। यहाँ पर लोगों ने बोला कि दैट हम लोग जो है लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे सरकार को। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस वाले एरियाज की, वहां पर क्या करा गया कि जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई गई। लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर जहां जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी यहां पर आवाज उठाई कि भाई फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ आवाज उठाई। यहां पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट लॉज की तो ट्राइबल पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था इन ट्राइबल फॉरेस्ट लॉज की वजह से, बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर हमें देखने को मिला था। और इसी नुकसान की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर महाराष्ट्र में कर्नाटक में सेंट्रल प्रोविंसेस में बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ आवाज उठाई। जहां जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा थी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये सब चीजें यहाँ पर चल रही थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें फीचर जो पूरे के पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमें देखने को मिला, ये सब नो टैक्स कैंपेन, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, लेकर शॉप्स का बॉयकॉट, ये सब चल रहा था। एक इम्पॉर्टेंट दिलचस्प चीज हमें यहाँ पर जो देखने को मिली वो क्या मिली कि यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को मैसेज दिया था कि अब ये भारत का झंडा, ये हमारा ट्राई फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो हमने लाहौर सेशन के अंदर यहाँ पर जो फहराया गया था दिसंबर 1929 के अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब ये जो फ्लैग है ये कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो वही चीज अगर हम बात करें तो एक एक इंसान ने, एवरी सिंगल इंडियन, आइदर इट्स मैन वुमेन और चिल्ड्रन, सब लोगों ने इस चीज को यहाँ पर दिमाग में रखा कि भाई ये जो ट्राई कलर है ये हमें अपने दिलों में बसाना है। और अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो एक सिंबल बन गया एक नई स्पिरिट का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विलेजेस लेवल पर हर जगह जो है हमें ये सिंबल देखने को मिला, नेशनल फ्लैग हर विलेज में, हर जगह, हर रिमोट एरियाज के अंदर हमें फैलता हुआ देखने को मिला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सो इस तरह के से यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा गया। आगे चल करके हम अगले सेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह के से यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर बात करी गई, कांग्रेस ने कैसे उससे जो अपने आप को दूरी बना करके रखा, उन सब चीजों को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करा। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला पार्ट डिस्कस करा, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझा, फिर हमने बात करी गांधी जी के 11 डिमांड्स के बारे में, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दांडी मार्च, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दांडी मार्च के बाद यहाँ पर लोगों ने रिएक्ट करा, अलग अलग जगहों पर मूवमेंट हमें देखने को मिले और इन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा मास लेवल पर, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से कैंपेन। उसके अलावा हमने धरासना ट्रेजेडी, धरासना सत्याग्रह को डिस्कस करा, जो कि एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना।
तो आज के सेशन में हमने पार्ट वन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिस्कस करा है। कल के सेशन में हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में। सो आज के सेशन में इतना ही गाइज। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको आज का कैसा लगा सेशन, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन गाइज। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और बाकी सब चीजों को देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट को देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करेंगे काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि घर बैठे सेफ एनवायरमेंट के अंदर आप अपनी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन कर पाएंगे अन अकेडमी के साथ। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी सारे के सारे कोर्सेज की, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज कराएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको कराई जाएंगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे आपके, और मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एंड एक्स सिविल सर्वेंट्स द्वारा। इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से अनअकैडमी को वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा जाता है फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। सो प्लीज जाइए जाकर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो प्लीज गो सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, यूज आवर रेफरल कोड रैंक 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड बाय, गुड लक एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।